हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू टू आवर यूट्यूब फैमिली बायोज्ञान। दिस इज योर क्लास ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर पोलन बायोलॉजी। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड हाउ द एंथर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द एंथर्स एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। सो इन दिस क्लास आम बेसिकली कौन देखा पाइबा ना पोलेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स केमी हो पोलेन रितर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन केमी हो पोलेन भितर केमी माइक्रो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होमती मेल जर्मिनेट तार प्रोड्यूस होके। तो डेरी नक चलत आम पढ़ाक जा पोलेन बायोलॉजी चैप्टर टी को। लेसन पोलेन बायोलॉजी, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ प्लांट्स। पोलेन्स गुड़ा कौन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ प्लांट्स। द स्टैमेंस प्रोड्यूसेस पोलेन्स। वी नो द स्टैमेंस आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन व्हिच द पोलेन्स आर प्रोड्यूस। द माइक्रोस्पोर्स और पोलेन ग्रेन्स इज द मदर सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। से कौन कहला द माइक्रोस्पोर और पोलेन ग्रेन गुड़ा कौन ना प्राइम आम जानते प्राइमरी मदर सेल्स रू कौन ना गोटे वेजिटेटिव आ गोटे जेनेटिव सेल्स हो। तो सेठी कौन देखा पाचे द माइक्रोस्पोर और पोलेन ग्रेन्स इज द मदर सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। द पोलेन ग्रेन्स आर टर्म्ड एज माइक्रो गैमेटोफाइट्स। इट्स कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलेलिन कोटिंग विच सर्व्स एज द प्रोटेक्शन ऑफ गैमेटोफाइट्स। स्पोरोपोलेलिन कौन दीज आर थिक फ्लैटी सब्सटेंसेस which are oily in nature that will protect the pollen from the insects and other environmental circumstances. सेठी कौन से देखा पाचे ना पोलेन को ग्रेन टा से कौन ना दीटा लेयर तर थाए गोटे लेयर टा कौन ना अपर लेयर टा हूँ तुम स्पोरोपोलेलिन लेयर। आम जानवा पोलेन किट फॉर्मेशन कौटी ना टैपेटल रीजन हो। तो आम नेक्स्ट लास्ट क्लास पढ़ी से जो टैपेटल रीजन हो फैटी आउ स्टिकी सब्सटेंसेस गुड़ाक कौन ना प्रड्यूस हो जो आउ गोटे कौन ना कैरोटीनॉइड था कैरोटीनॉइड सब्सटेंसेस भी लगे से ऑल सब्सटेंसेस मिसी कौन ना स्पोरोपोलेलिन से कौन ना कोटिंग फॉर्मेशन करुच्ची पोलेन ग्रेन ना अपर लेयर टा रे बुझेला। तो ये कौन ना पोलेन ग्रेन्स गुड़ाक डिफरेंट टाइप ऑफ साइज तर ऑर्गेनाइजमेंट तर एपरेचर पोलिनेशन गुड़ाक देखेछि। सो बेसिकली ओके पोलेन गुड़ाक आम कौन ना सेल हिसाब से आइदर मोनाड हो सिंगल सेल मोनाड इज सिंगल सेल और टेट्राड फोर सेल्ड हो बुझेगा आइदर सिंगल सेल मोनाड जोटा कि मैंने मोस्ट ऑफ केस देखा मिलता है पोलेन्स गुड़ा बेसिकली सिंगल सेल होता है डिफरेंट केसेस टेट्राड्स हो पाए एटा तीन टा सेल देखा आ गोटे सेल तार बैक साइड रे अच्छी तो टेट्राड भी हो पाए। आम पोलेन टा कौन देखिपर ना माइक्रोस्कोप थ्रो रे देखिपर बेसिकली तपति मैडम आप पढ़े थे माइक्रोस्कोप रे कौन ना सिंपल माइक्रोस्कोप रे केमी स्ट्रक्चर तुम देखिपर पोलेन रेकोसी गोटे सेल रुम केमी स्ट्रक्चर देखिपर सिंपल माइक्रोस्कोप रे टू डी स्ट्रक्चर देखिपर कि नहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे भी तुम्हारा टू डी स्ट्रक्चर देख बुझेगा तप कौन ना तुम तर थ्री डी इलेक्ट्रोन यो स्ट्रक्चर गुड़ा देखु डीजेआर कौन ना इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप गुड़ाक कैप्चर हो तुम जदि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप थ्रो स्कैनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप थी सी कौन ना कंटिन्यूस लैप अफ इमेज नहीं कि सी कौन कर तुम थ्री डी स्ट्रक्चर भी बन पार थ्री डी स्ट्रक्चर पोलेन टा देखिपर है एसीएम स्कैनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप बुझेगा ओके। सो
ଏଠି କ'ଣ ନା ପୋଲେନ୍ ପୋଲେନ୍ର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ କେମିତି କେମିତି ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ମାନେ କେମିତି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖିଛି। ଆର୍ଥ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଆର୍ଥର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ଟା କ'ଣ, ତା ଆକ୍ସିସ୍ ଉପରେ କେମିତି ସେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିଛି ଆମେ। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ନେବା, ଚାଲ ଦେଖ ଆମେରିକାନ୍ ଫୁଟବଲ, ଆମେରିକାନ୍ ଫୁଟବଲର ସାଇଜ୍ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିଛେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଆମେରିକାନ୍ ଫୁଟବଲ୍ଟା ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଆମେରିକାନ୍ ଫୁଟବଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ରେ ଥାଇକି ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ରେ କ'ଣ ନା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଆମର ଆଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦିସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଓକେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଫୁଟବଲ୍ଟିକୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ସର୍କଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମିତିଆ ପାର୍ଟଟାକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ସର୍କଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ତ ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ରେ ପୋଲାରର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ରେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ଟା ତମକୁ ସର୍କଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତା ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ନା ଆଇଦର ଥ୍ରୀ ସାଇଡ଼୍ ଥାଇପାରେ, ଥ୍ରୀ ସାଇଡ଼୍ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ନଥାଇ ବି ପାରେ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ୍ ରିଜିଅନ୍ରୁ ଦେଖିବ ଆମେରିକାନ୍ ଫୁଟବଲ୍ଟାକୁ, ତମେ ଇକ୍ୱେଟର କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ, ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ତମର ମନେକର ଆଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଅଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଆଇ ସାଇଡ଼୍ ଆଟ୍ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ରିଜିଅନ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଅବଜର୍ଭ ଦ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ୍ ମ୍ୟାନର। ତ ତମକୁ କେମିତି ଦେଖିଯିବ ନା ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ତାର ଆଉଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେୟାର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଲେୟାର୍ ଥିବ। ଓକେ, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆପରେଚର, ଆପରେଚର କ'ଣ ନା ତାର ଆଉଟର୍ କଭରିଂଟା କ'ଣ କେମିତିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ଆପରେଚର ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ପ ୟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ପୋଲେନ୍ସ ଫର୍ ଦ ସଷ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆପରେଚରଟା କ'ଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ତ ଆପରେଚର ମେ ବି ପୋରେଟ୍ ହେଇପାରେ, ପୋର୍ ଲାଇକ୍ ହେଇପାରେ, ହେଲା କଲ୍ପି ହେଇପାରେ, କଲ୍ପିରେ କ'ଣ ନା ସ୍ଲିଟ୍ ଲାଇକ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ଥିବ ତାର ଉପରେ ଲେୟାର୍ରେ ସ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ କଲ୍ପେଟ୍ ହେଇପାରେ, କଲ୍ପେଟ୍ କ'ଣ ନା ସ୍ଲିଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ସ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି ତାର କ'ଣ ଥିବ ନା ପୋର୍ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ହେଲା ସଲ୍କେଟ୍ ଥିବ, ସଲ୍କେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଥିନ୍ ୱାଲ୍ଡ ହୋଇଥିବ ତାର ଅପର୍ ଲେୟାର୍ଟା, ବୁଝିଲ। ସାକ୍ସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାର ଯେଉଁ ଅପର୍ ଲେୟାର୍ରେ, ହେଲା ଅପର୍ ଲେୟାର୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୋର୍ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବ ସେଠି କ'ଣ ନା ତମର ଏୟାର୍ ଲାଇକ୍ ସ୍ଲାକ୍ ଥିବ, ଏୟାର ଏୟାର ବ୍ଲାଡର୍ ଗୁଡ଼ା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ସାକ୍ସେଟ୍ ହେଇଥିବ, ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଟୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଆଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଆନାଦର୍ ବାଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୋର୍ ପୋଲେଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ନଟ୍ ଭାଏବଲ୍। ଭାଏବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ପୋଲେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ତମର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ଆନ୍ଥର ଉପରେ, ଆନ୍ଥର ଲୋବ୍ ଭିତରେ, ହେଲା ଆନ୍ଥର ଲୋବ୍ ଭିତରେ ତମର ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ମାନେ ପୋଲେଣ୍ଡ, ପୋଲେଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଯିବ ତମର ଷ୍ଟିଗ୍ମା ସର୍ଫେସ୍ଟିକୁ, ସେଠି କ'ଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଉଟର୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ସୋର୍ସ ଦେଇକି ଯିବ ନା, ସେଠି ତମର କ'ଣ ନା ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ତା ଆଉଟର୍ କଭରିଂଟାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆପରେଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ୍ କରିଥାଏ, ହେଲା। ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପଲିନେସନ୍, ପଲିନେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଲିନେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ରୋନ୍ ଆନିମୋଫିଲସ୍। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ନା ସେଇଟା କ'ଣ ନା ୱିଣ୍ଡ ବୋନ୍, ୱିଣ୍ଡ ବୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ୱିଣ୍ଡ ଥ୍ରୋରେ ଉଡ଼ିକି ଯିବାର କାପାସିଟି ରଖୁଥିବ, ହେଲା। ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ନା ଆନିମୋଫିଲସ୍ କହିବ। ତ ପଲେନ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସାର୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ବ୍ରୋନ୍ ଅର୍ ଏଣ୍ଟୋମୋଫିଲସ୍। ଏଣ୍ଟୋମୋଲୋଜି ଜାଣିଥିବ, ଏଣ୍ଟୋମୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି ଆବାଉଟ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟ, ଇନ୍ସେକ୍ଟ ତ କ'ଣ ଏଠି ସେ ଲେଖିଲା ପୋଲେନ୍ ସାର୍ ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଆର୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ବ୍ରୋନ୍ସ ଅର୍ କଲ୍ଡ ଆର୍ ଦ ଏଣ୍ଟୋମୋଫିଲସ୍। ଓକେ, ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ପୋଲେନ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଲିନେସନ୍ର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଏଇ ଟୁ ଟୁ ଯାର୍ ମେଜର ମେଜର ସୋର୍ସେସ୍। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ, ଏଠି କ'ଣ ନା ପୋଲେନ୍ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ତ ପୋଲେନ୍ ବାୟୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ପୋଲେନ୍ରେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଜର୍ମ ପୋର୍ ଥିବ, ତେବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବ, ଆଉ ତାର ଆଉଟର୍ ଲେୟର୍ ଏଇଟା ଇନର୍ ଲେୟର୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉଟର୍ ଲେୟର୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜାଇନ୍ କହିବା, ଇନର୍ ଲେୟର୍ଟାକୁ ଇଣ୍ଟାଇନ୍ କହିବା, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୋଲେନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବ, ସେଇଠି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଇନସାଇଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ପୋଲେନ୍ ତା ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅକର୍ସ ୱେୟାର୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରେଟିଭ୍ ସେଲ୍ସ ୱିଲ୍ ଫର୍ମ, ହେଲା। ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ସେଲ୍ ଜେନେରେଟିଭ୍ ସେଲ୍ ଫର୍ମ କରିବ, ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା
से जेनेटिव सेल्स वेजिटेटिव सेल्स टा कोन करबो ता फर्दर तार कोन करबो ना गोटे जर्म ट्यूब फॉर्मेशन रे हेल्प करबो एटा एई स्टेज से कोठी होबो ना ऑन द स्टिग्मा सरफेस रे होबो बुझिला एटा स्टिग्मा सरफेस रे होबो सेठू कोन होबो ना तमरो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होबो बुझिला एई जो स्ट्रक्चर टा कहबा हम मेल जर्म यूनिट रे स्ट्रक्चर टा मेल जर्म यूनिट रे स्ट्रक्चर टा हेले सेटा कोन करबो ना तमरो फर्टिलाइजेशन रे हेल्प करबो से फर्दर प्रोसीजर गुडा को हम डिटेल्स रे पढिबा नेक्स्ट गुड़ा स्लाइड गुड़ा करे ओके तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन के तो माइक्रोस्पोर्स आम पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर टाक जानवे चल द पोल मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर डबल वर्ट आउटर आउटर वाल इज एग्जाइन एंड इनर वाल इज इंटाइन ओके एंड द एग्जाइन फर्स्ट अपीयर थिन लेयर बट एट द मैच्योर कंडीशन इट विल बी थिक लेयर विद टू लेयर्स ओके एग्जाइन लेयर गुड़ा कौन ना एटेक्साइन एंड एनेक्साइन इट वाज अदरवाइज कॉल्ड एज सेक्साइन एंड नेक्साइन पार्ट ओके द एटेक्साइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर एटेक्साइन जो अपर लेयर टा को हमर कोन ना देखो दिस इज द पोलन स्ट्रक्चर द अपर लेयर ओके अपर लेयर इज एग्जाइन इनर लेयर इज इंटाइन इंटाइन ओके देन अपर लेयर फर्दर से कौन कर डिवाइड है कौन हो तुम एटेक्साइन एनेक्साइन लेयर होगा मैच्योर पोलन रे एटेक्साइन लेयर टा फर्दर तुम तीन भाग में डिवाइडेड होटेक्साइन टा कौन कौन डिवाइड हो बेसल फुट लेयर हो मिडिल बैकुला टेक्टम अपर होटेक्साइन पार्ट रे जो बेसल फुट लेयर टा कौन ना बेस पार्ट रे थी तार लेयर रो मिडिल बैक रे कौन मिडिल पार्ट रे थी बैकुला माने कौन ना सेटा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होई थिबो आ टेक्टम अपर रे कौन ना तमरो पोलन किट कोटा कौन ना तुरंत अपर कैपिटल जो रीजन आसथिला से टेक्टम अपर साइड रे थिबो बुझेला ओके इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन रो बेसिक स्ट्रक्चर टा हमें एथे देखिबा ओके यहाँ एक्चुअली तुम कमी देखा ना ओवल सेप देखा मिलूँ कि ना पोलन सेल ये आम देखुचे तार यहाँ कौन तार अपर लेयर टा एग्जाइन पार्टा कि ना ये पार्टा तार कौन ना इंटाइन पार्ट इनर पार्टा ये तुम कौन अच्छी तार ट्यूब न्यूक्लियस अच्छी कौन जो युवा अच्छी कंपोनेंट गुड़ा से कौन तार साइटोप्लाज्म ओके साइटोप्लाज्म एटी कौन तुम एटा जर्म पोर फ्रॉम व्हिच द मेल जर्म यूनिट विल बी प्रोड्यूस एटा होची कौन जेनेरेटिव सेल टा भी फर्दर डिवाइडेड हबो केमि आमे देखिबा ट्यूब सेल्स स्मॉल स्मॉल ट्यूब विल बी थिबो सेठी सेटा कह जे कौन ना ट्यूब सेल्स वैक्यूल कौन ना कंटेनिंग सैक्स ओके कंटेनिंग सैक्स ओके तो स्ट्रक्चर टाक आम भलसे पढ़ा तार भितर कौन अच्छे देख द एग्जाइन इज चीफली कंपोज ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड द सब्सटेंसेस मेड ऑफ कैरोटीनॉइड्स स्पोरोपोलेनिन मु कहली स्पोरोपोलेनिन आर ऑयली फैटी सब्सटेंसेस ऑयली फैटी सब्सटेंसेस ओके बेसिकली ये कौन ना तुम फ्लैटी एसिड कंपोनेंट थी विथ सम कैरोटीनॉइड्स है तार जो स्पोरोपोलेनिन अपर लेयर टा कौन कर प्रोटेक्शन कर पोलेन टाक फ्रम इनसेक्ट आउटर एनवायरमेंट ठार द एग्जाइन पार्ट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन देख पोलेन गुड़ाक ना गोटे भायबल नेचर होता है तार भायबिलिटी जो सरीज सी कौन हम ना जेनेट कर मेल जर्म यूनिट मैंने जर्म ट्यूब फॉर्मेशन कर मेल जर्म यूनिट हेनी जो थे कौन ना सी फर्टिलाइजेशन भी हेनी कि तार जायगोट फॉर्मेशन कर कौन ना तो आउटर लेयर टा बहुत इंपोर्टेंट रोल कौन करे ना फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन प्रोटेक्ट करते एंड चेक द नेचुरल डीके ऑफ पोलेंस नेचुरली जो डीके हम पोलेन टा जो आटाच होगा स्टिग्मा पर जर्म यूनिट मेल जर्म यूनिट फॉर्मेशन कर चेक करेंगे नेचुरल डीके हो कि ना ओके
At certain place, the agents remain thin, and these thin areas are called as John pore. आमे John pore टा ये picture रे देखे थे ली, cell भीतर थी ला. Okay. Agent part गोड़ा थी ला, ये part थी कौन थी ला ना gap जोड़े अच्छी, शेर डा कुछ John pore तमे, करीबो okay. In monocots, there will be one John pore. Which is called as uniport. Monocot case record na basically gotte jaun por thai seta ko kon koiba na uniport koiba. Dicot case record seta koiba na tripod koiba. Basically tin ta jaun por thai dicot re to seti pa ame ta kon tripod koiba. Okay, edi kon dekhiba na pollen no jo upper wall ta thila se wall ra structure ta kon kon achi. Okay, pollen wall is consist of thin layer koithili entine and exine plate achi hela. एजेंट अपर पार्टा कही इनर पार्ट इंटेन कौन सी अच्छी ना इनर पार्टा को भितर कौन ना साइटोप्लाज्म अच्छी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अच्छी ये सब जिनस भी अच्छी ओके आउटर पोलन लेयर टा कौन ना तुम स्पोरो पोलन अच्छी कौन ना देख आउटर लेयर कंटेंट स्पोरो पोलन दैट विल बी हाईली रेजिस्टेंस फॉर द सेल दैट फाउंड ओनली इन द स्पोर्स एंड पोलन ओके outer wall may be divided into unstructured component that is endexine and exine okay outer layer ta kon endexine and exine koha jauchi hela surface may be modified to carry the surface protein are highly viable for useful of for systematics कौन ना से अपर लेयर जो प्रोटीन गुड़ाक रोचे तटार हाइली भायबुल कौन ना जो पोलन टाक जर्मिनेशन करवा बेले से कौन ना बहुत मानते इम्पोर्टाट रोल टाक प्रड्यूस करटार यूजफुल फर द सिस्टमेटिक्स सिस्टमेटिक तार कौन ना मेल जर्मिने मेल ये देख माइक्रोस्पोरा है जर्म पोर थी से जर्म पोर थी से भितर गैमेटोजेनेसिस हम गैमेटोजेनेसिस है जेनेटिक सेल्स गुड़ा डिवाइड कर वेजिटेटिव सेलटा तुम कौन कर जर्म पोर गोटे हेल्प कर ये फर्मेसन करने को जर्म ट्यूब फर्मेसन करने को मेल जर्म यूनिट फर्मेसन हम ओके यहाँ कौन ना पोलन वाल आउटर स्ट्रक्चर टा देख एक्जाइन सेक्शन मैंने तो मुझे कौन कही एटेक्साइन एंड एनेक्साइन जोड़ा हाँ जो से कौन हम ना से अदरवाइज एनेक्साइन एंड सेक्साइन सेक्साइन एंड नेक्साइन कह जाटा कौन ना कहार पार्ट ना एक्जाइन पार्ट ये देख तुम इनर पार्टा को इंटाइन कहगला तो ये जो एटेक्साइन एंड एनेक्साइन रोटा रहा से कौन ना एटेक्साइन तुम फर्दर डिवाइड हो थ्री लेयर्स अच्छी बेसल फुट लेयर थी हेला कलुम लेयर लेयर अच्छी टेक्टम लेयर अच्छी ओके एटा तीन टा लेयर होती कैबिटी लाइक स्ट्रक्चर होता बैकुलम कह जाए कैबिटी लाइक स्ट्रक्चर को ये तो बेसल फुट लेयर कहली बेसल फुट लेयर अपर टेक्टम लेटा हूँ कौन ना अपर टेक्टम लेयर टा कौन ना तुम बेसिकली टैपेटम सेल जो सिक्रेट कर पोलन किट ला पोलन किट थ्रो देखा अपर टेक्टम टा फॉर्मेशन होची ओके तो इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क मी इन द लाइव सेक्शन ये स्ट्रक्चर टा को पूरी तरह मु देखी छी पोलन रो जो वाल रो अपर स्ट्रक्चर टा को ओके तो मन रही जो बोली एटा होची एक्जाइन पार्ट इंटाइन पार्ट इनर पार्ट टा को इंटाइन को आ जाए आउटर पार्ट टा को एक्जाइन को आ जाए एक्जाइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ एटेक्साइन एंड एंडेक्साइन ओके एटेक्साइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट दैट इज फुट बेसल फुट लेयर्स कॉलमला वेयर बैकुलम्स आर प्रेजेंट दैट इज कैबिट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड टेक्टम अपर अपर मीन्स अपर लेयर टेक्टम टेक्टम दैर अपर लेयर्स दैट वाज फॉर्म फ्रॉम कैपिटल रीजन ओके ये कौन लिखी ना सब सब रेटिकल्स एंड स्कल्पचर्स एटा कौन ना अपर लेयरटा जोटा थी डिफरेन्ट टाइप अफ स्कल्पचर्स नहीं ओके बुझेगा सो नेक्स्ट द एंटाइन इज कंपोज्ड अफ पेक्टाइन्स एंड सेलुलोज एंटाइन पार्टा कौन ना पेक्टाइन एंड सेलुलोज कंपोज्ड थी लॉस ओके
सेलुलोज कंपोनेंट है थिवो एंड एंटाइन आर थिकर्स इन इंसेक्ट पोलिनेटेड स्पीसीज जो स्पीसीज गुडा को पोलिनेशन करिवारे इंसेक्ट गुडा हेल्प करथवे सेठी कोन करिवो ना एंटाइन प्लेट गुडा पार्ट गुडा को बहुत थिकर होई थिवो जहा द्वारा कि कोन ना सेटा पोलिन ग्रेन को इंसेक्ट गुडा को लेग्स गुडा को पोलिन ग्रेन भीतर को जाई तार जेनरेटिव सेल रे कोनसी इफेक्ट भी पकेई पारिबे नाही हैला The surface of pollen grains are covered with oily pollens, oily layers that is pollen kit. Pollen kit ta tamar code formation hochi na tapetal region nu formation hochi. Tapetal region code hochi re anther bhitare achi. Okay. If you have not watched the last video, then we will be not entitled. Okay. जदि तुम्हें लास्ट वीडियो टी देखी नथिबो ताहाले तुम्हें जानी पारिबो नाही कि एठी मो पोलन किट काहा कहउची कि टैपेटल रिजन काहा कहउची जदि तुम्हें आंथर क्लास टी को करिनो तो दया करी तुम्हें माने सेही क्लास टी को अटेंड करिनियो ओके सो पोलन किट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर सिक्रेटेड फ्रॉम टैपेटल रिजन एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन कंटेंट न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया डेक्टोसिजम ओके जे पोलन ग्रेन टा रहिला पोलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर कौन ना एग्जेन पार्ट इंटेन पार्ट इंटेन पार्ट पर जो भीतर स्ट्रक्चर भीतर कौन ना दैट आर फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म भीतर कौन ना तुम वैक्यूल थिबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबो माइटोकॉन्ड्रिया थिबो ओके डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनेल पाइबोडिक्टोसिजम थिबो ए सब सेल ऑर्गेनेल गुडा थिबो हला ए मैच्योर पोलन सेल कंटेंट मैच्योर पोलन सेल रो कंटेंट भीतर कोन कोन थिबो जानचो ओके लेट मी इंट्रोड्यूस थेट कोन थिबो ना तमर 7 टू 26% प्रोटीन थिबो एटा कोन मैच्योर पोलन केस रे ओके एटा नोट डाउन कर दियो कारण एटा स्लाइड रे अवेलेबल नाही ओके थेडी कोन ना 24 टू 28% कार्बोहाइड्रेट अछि ओके 0.9 टू 14% फैट अछि ओके लिखिलो नोट डाउन करलो 0.9 to 5.4% as such. Okay. 7.0 to 16% water as. Hala mature con mature pollen bhitare e sab content guda ko tame dekhiya ko pai paribo 7 to 26% protein, 24 to 48% carbohydrate, 0.9 to 14% fats, and 0.9 to 5.4% as, and 7.0 to 16% of water. Okay. Ready, dekho. A picture mu tamu kon dekhuchi. Pollen kit koda karna karna. Jo. Anther ra. बाइलोबटा आंथरटा बाइलोब जानथिबो त जो अपर सेल रे जो येलो कलर सब्सटेंस गुडा लागिनी हला ए गुडा कहू छी कोन ना पोलन किट ता कोन करिवो ना इनसेट गुडा को जतले अटैच हेबे पोलन किट गुडा को ताकु नरिश भी करू छी आ त प्रोटेक्शन कहा को दउ छी ना तम पोलन भीतर जो मेल जर्मिनेट गुडा को छी से भीतर मेल गैमेट गुडा को छी ताकु प्रोटेक्शन भी दउ छी ओके हेटा कौन ना पोलन आउटर लेयर देखो ये कैबिट लाइक स्ट्रक्चर अच्छी हला कैबिट लाइक स्ट्रक्चर अच्छी ना ये हो जो ये स्पोरोपोलेनिन कहे आपको स्पोरोपोलेनिन टा कौन करी बोना थे ठीक कौन होना फैटी एसिड आउ ऑयल लाइक सब्सटेंसेस थी बो दैट कौन करी बोना अट्रैक्ट भी करी बो तुमको इंसेक्ट गुड़ा से दीज आर फाउंड इन एग्जाइन पार्ट है इंटेन पार्ट कौन ना सेलुलोज आ हेमिसेलुलोज रे कंपोजिट होके
इंडेक्स पार्ट गुड़ा कौन ना थिक इन केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर स्पीशीज। ओके तुमको बुझे पिक्चर गुड़ाक बेस आड करते हे तो तुम मैंने पॉलिनेशन ऑफ इंसेक्ट जो पड़ो ये पार्ट गुड़ाक स्किप करने को चेस्टा कर बेसी पिक्चर बनैब ना। ओके यहाँ तुम बेसिक पोलन स्ट्रक्चर ग्रेन स्ट्रक्चरटा देखी एथेर मुझे आउ कि लेवलिंग भी करदेवि फास्ट यही लेवल गुड़ाक बुझे दिए। ओके वैक्यूल्स कौन ना एयर सैक् थी जो पोलन भितर से गुड़ाक वैक्यूल्स अच्छी। ओके एक्जाम पार्टा हूँ कौन ना अपर लेयरटा इंटर पार्टा इनर लेयर जम्प पोर्स जम्प पोर गुड़ा कौन देखी थे ना मोनोकेट केस रे सिंगल जम्प पोर थी है डाइकोट केस रे थ्री जम्प पोर थी ताठ भी अधिका रही पारे ये जेनरेटिव सेल्स रहा है ट्यूब न्यूक्लियस रहा। ओके ट्यूब न्यूक्लियस मीन ये कौन ना तुम से वेजिटेटिव सेल्स भी फॉर्मेशन हम। ओके ट्यूब सेल्स रहा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब सेल्स गुड़ा रहा। ओके ये जो एक्जाइन पार्ट रहा ये कौन रहा एक्जाइन पार्ट फर्दर डिवाइड कर एक्टेक्साइन है तल लेयरटा कहना एनेक्साइन लेयर। ओके एटेक्साइन टा पी डिफरेंट लेयर होता मुझे देखा चाहूना। ओके ये भितर तुम कौन थी ना ये जो भितर अच्छे यहाँ कौन ना साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कंटेंट्स है बिसाइड इंटेन लेयर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स आर फाउंड इन व्हिच यू विल फाउंड द न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ओके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिजोम्स। ओके हला दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स आल्सो फाउंड डिटॉक्सिजोम्स। तापर हमें देखिबा पोलिन भितर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस टा केमिति होउछि। ओके तुमको प्रीवियस क्लास में देखे थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस केमी हो। ओके तुम जान थे तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस केमी हो कौन ना जदि से किसी डाउट थी ताको भी मुझे क्लीयर कर दे तो तुम से वीडियो गुड़ा को काइंडली वाच कर ना तुम कनसेप्ट विषय जापर ना। ओके तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कौन हम ना दुईटा प्रोसेस होची कौन ना फास्ट मेयोसिस होची सेकेंड माइटोसिस होची सॉरी माइटोसिस होची फास्ट माइटोसिस और सेकेंड माइटोसिस होची हला फास्ट जो पोलन ग्रैंड थी से कौन थी ना डिप्लोइड न्यूक्लियस है डिप्लोइड न्यूक्लियस थी ये कौन थी ना पोलराइज स्ट्रक्चर थी पोलनटा आठ कौन ना वैक्यूल्स थी लंग बड़ वैक्यूल गोटे थी सेठ कौन करना से डिप्लोइड सेलटा कौन करना ना दी टाइप ऑफ सेल करदेव वेजिटेटिव न्यूक्लियस काढ़ देख वेजिटेटिव न्यूक्लियस काढ़ दे। ओके वेजिटेटिव न्यूक्लियस काढ़ जेनेटिव सेल्स करदे यहाँ कौन ना टू सेल स्ट्रक्चर हो गला। ओके यहाँ टू सेल स्ट्रक्चर हो गला यहाँ कौन ना माइटोसिस फॉर्मेशन वन टू सेल स्ट्रक्चर हो गला है टू सेल स्ट्रक्चर कौन ना बाइसेलुलर आइदर बाइसेलुलर हो रही है जदि से माइटोसिस टू सेल स्टेज को जब से ना ट्राइसेलुलर पोलर स्ट्रक्चर हो रही है से जो वेजिटेटिव सेलटा सिंगल सेल हो रहा है जेनेटिव सेलटा फर्दर तुम डिवाइडेड करके कौन करना दुईटा स्पर्म सेल कर हैला दीटा स्पर्म सेल करदेव। ओके ये प्रोसेसटा को आम पूरा एलाबोरेटली पढ़ा। ओके सो ये देखा कौन कौन अच्छी तर पॉइंट्स गुड़ा देखीद द माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ओके द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स इन द पोलन ग्लैंड इज कॉल्ड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कौन ना डेवलपमेंट हो जो मेल गैमेटोफाइट इनसाइड पोलन दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रो गैमेटोजेनेसिस माइक्रोस्पोर इन द माइक्रोस्पोर द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट व्हिच कंटेन द हैप्लोइड न्यूक्लियस हैप्लोइड न्यूक्लियस अच्छी फर्स्ट सेल रे कौन ना ये जो एर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है कौन करना माइक्रोस्पोरांजियम भितर कौन हो से कौन करना गोटे स्मल जेनेटिव सेल करदे गोटे वेजिटेटिव सेल्स करदे। ओके बुझेगा तापर कौन कर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द पोलन सैक आट द टू सेल स्टेज ये कौन टू सेल स्टेज पोलन ग्रेन्स गुड़ाक रिलीज हो
तापर एड कोन ना सेटा कोन करबा ना लैटर जेनरेटिव सेल डिवाइड इनटू टू सेल्स दैट इज टू स्पर्म सेल विल बी फॉर्म ओके तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यून्स ऑक्युर्स इन द स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन जेतले पॉलिनेशन होइ जइबो सेठी कोन करबा ना तमरो जो पोलन ग्रेनटा जर्मिनेशन होइ कि ता वेजिटेटिव सेलटा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करबो ओके बुझिला तले स्टिग्मा सरफेस माने फीमेल पार्ट रो फ्लावर रो अपर रिसेप्टा किले लागिबो सेते बेले जाई कि सी पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होबो आ पोलन ट्यूब भी फॉर्मेशन करबो ओके बुझिला बुझिपारे पे मैंने तापर देखा तो डिविजन ऑफ जेनरेटिव सेल्स है जेनरेटिव सेल्स टेक्स प्लेस आइदर इन पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन भितर थी भी सी जेनरेटिव सेल्स डिवाइड हो टू स्पर्म सेल कर और इन पोलन ट्यूब जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कर से भितर को तुम कौन ना वेजिटेटिव सेल्टा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कर स्टाइल भितर देखी तापर एटु जेतेबेले तमरो जो जेनरेटिव सेलटा थिबो सेटा टू स्पर्म सेल आइदर पोलन ग्रेन भितर करथिबो नल पोलन ट्यूब भितर करथिबो ओके इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ओके द थ्री सेल स्ट्रक्चर इज द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ वन वेजिटेटिव सेल्स एंड टू गैमेट्स हैला दुईटा जो स्पर्म सेल कहउछि जेटा कोन ना तीटा गैमेट मेल गैमेट उडाक ओके दैट विल बी फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट्स फीमेल गैमेटा कोड़ी थी बारे ओव्यूल थी बारा ओके इन देखो एट तार कौन ना चार्ट माध्यम ताको देखे देली माइक्रो गैमेटिक जेनेसिस फोर प्रोसेस रे कौन होची ना माइक्रोस्पोर उड़ा आसला माइक्रोस्पोरटा कौन करियो ना वेजिटेटिव सेल्स करची जेनेटिव सेल्स करची जेनेटिव सेलटा कौन करबा ना दीटा स्पर्म सेल कर देला ओके दस इट इज फॉर्म द थ्री सेल्स इन पोले पोलन ट्यूब देख जो वेजिटेटिव सेल कौन कर फर्द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करदे आईटार कौन ना दीटा स्पर्म सेल तुम रहा ओके अकर्स इन द डिस्टिंक्ट कंटेंट दैट पोलन ग्रेन व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वॉल स्ट्रक्चर ओके सो नेक्स्ट ए पिक्चरटा तुमको कौन ना डायग्रामटा तुमको बनवाक पड़ो एटा कौन ना तुम माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन कौन ये देख जर्म पोर अच्छी मनोकट के तुम कौन सिंगल जर्म पोर जान थो न्यूक्लियस अच्छी साइटोप्लाज्म गुड़ा अच्छी से कौन कर फर्दर फास्ट मेयोसिस जो स्टेज कौन कर ना तार कौन ना हाप्लोइड न्यूक्लियस थी से डिवाइड कर टू न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस कौन ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहा गोटे वेजिटेटिव सेल्स आ गए कौन ना जेनेटिव सेल्स रहा ओके बुझेगा सेठ कौन कर देख जर्म पोरटा देख कम जर्म ट्यूब फॉर्मेशन करसरे मेल गैमेट्स गुड़ा रहीगला जो जेनेटिव सेल्स दुटा स्पर्म सेल करता वेजिटेटिव सेल तुम कौन ना जर्म पोर फॉर्मेशन कला जर्म पोर फॉर्मेशन जर्म पोर भितर कौन कला ना जर्म ट्यूब फॉर्मेशन कला जर्म ट्यूब फॉर्मेशन कर देला जो स्टेज जाक तुम कौन कहना टोटल मेल जर्म यूनिट कहवा ये अपर लेयर टाक तुम कौन ना स्पोरो पोलेनिन कहवा होगा स्पोरो पोलेनिन तुम डिफरेंट लेवल कर दो डायग्राम मेरे ओके एटा ट्यूब न्यूक्लियस रहा जोटा कि कौन ना वेजिटेटिव सेलटा को फर्दर कह जाए कौन ना ट्यूब न्यूक्लियस सेटा कौन ना जर्म ट्यूब फॉर्मेशन करुच्चे से कौन ना ट्यूब न्यूक्लियस कहवा ओके बुझेगा सो मेल जर्म यूनिट एटा तुम कौन ना सर्ट टाइप आंसर रे क्वेश्चन आंसर रे आसीबो ओके मेल जर्म यूनिट आम भलसे देखा चल द ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ और वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म सेल्स ऑफ द इन द फ्लावरिंग प्लांट दैट फॉर्म्स द फंक्शनल असेंबलेज कॉल्ड एज द मेल जर्म यूनिट कौन ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दुटा स्पर्म सेल जो थी फ्लावरिंग प्लांट रोटा आम पोलन ग्रेन भितर से कौन ना आसिक स्टिग्मा सेल अटैच होती तार पोलन ग्रेनटा डिजेनरेट हो मेल जर्म यूनिटा फॉर्मेशन करुच्ची ओके एंड मैच्योरिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स अबाउट 70% ऑफ स्पेसीज विल बी बाइसेलुलर बाइसेलुलर मैंने टू सेल्स हो वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनेटिव सेल्स ओके मैच्योर पोलन केस रे 30% कौन ना ट्राई सेलुलर गोटे वेजिटेटिव सेल्स एंड टू जेनेटिव सेल्स हो जाए बुझेगा बोथ टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन्स कंटेन वेजिटेटिव न्यूक्लियस व्हिच इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड लैटर पोलन ट्यूब तुम दी कही वेजिटेटिव सेलटा कौन कर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कर हेल्प कर जेनेटिव सेल्स मे प्रोड्यूस स्पर्म बिफोर द जर्मिनेसन एंड आफ्टर जर्मिनेसन
जेनेटिव सेलटा कौन ना स्पर्म ट्यूब फर्मेसन स्पर्म गुड़ा फर्मेसन कर दुटा स्पर्म ट्यूब सेल्स होगा ये डिफरेन्ट टाइप अफ साइंटिस्ट गुड़ाक नेम आसटा कि तुम कौन ना जो आंथ सरी आंथ नुह इंट्रोड्यूसन तुम जो हिस्ट्री विषय तुम ये साइंटिस्ट गुड़ाक नेम भी दे पार या छड़ा तुमको दुटा पेज रपी देदेवि टेलीग्राम जो मैंने टेलीग्राम जॉइन होना दयाक तुमने टेलीग्राम जॉइन हो जाओ कि तुमको से कॉपी गुड़ाक अवेलेबल हो पार ओके तो ये कौन ना दुटा साइंटिस्ट थे ना कौन ना रसेल एंड कैश रसेल कैश कौन कर 1984 ही ऑब्जर्व प्लुम्बागो जेन्सिका यहाँ कौन ना गोटे प्लांट स्पीसीज जोटा कि फ्लावर प्लांट स्पीसीज तो मैं पिक्चर भी देखेदेवी ओके सी कौन कर सी ऑब्जर्व कर टू स्पर्म्स एंड ए वेजिटेटिव सेल्स रिमेन्स क्लोज इन क्लोज एसोसिएशन कौन ना सिंगल सेल भितर क्लोज एसोसिएशन गोटे वेजिटेटिव सेल और दुटा स्पर्म सेल ऑब्जर्व ओके से ऑब्जर्व करते सीटे कौन करमी ऑब्जर्व करते माइक्रोस्कोप थोड़े ऑब्जर्व करते सिंपल माइक्रोस्कोप से टाइम थी 1981 मैंने सिंपल कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते ओके द टू स्पर्म्स आर डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर तो कौन कर टू स्पर्म्स आर डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर बाय द कॉमन ट्रांसवर्स वाल है कॉमन ट्रांसवर्स वाल थ्रो कनेक्टेड ले ईच अदर को सेटा कौन कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा तुम वाटर ऑब्जर्वेशन पड़ी थी ना ना से वाटर गुड़ा जो ऑब्जर्व होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस से कौन ना थ्रो फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा ऑल्सो ओके तो सेमती कौन ना तुम जो दुटा स्पर्म सेल था सेटा गोटे बैरियर थ्रो अटैच होते हैं है कॉमन ट्रांसवर्स बैरियर दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा ओके वन स्पर्म सेल इज एसोसिएटेड विद द वेजिटेटिव न्यूक्लियस थ्रो द स्पर्म एक्सटेंशन है गोटे स्पर्म सेल एसोसिएट होता कौट का सहित ना वेजिटेटिव सेल मेल जर्मिनिटी देख तुम मेल जर्मिनिटी स्ट्रक्चरटा मुझे बनई देती तुमको इजी हो ओके यहाँ तुम कौन वेजिटेटिव न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस ओके बुझेगा ये दुटा कौन ना तुम स्पर्म सेल्स ओके यहाँ तुम कौन ना ट्रांसवर्स प्लाज्मोडेस्माटा थ्रो आटाच होती प्लाज्मोडेस्माटा थ्रो आटाच होती गोटे स्पर्म सेल तुम क्या सहित आटाच होती वेजिटेटिव न्यूक्लियस सहित आटाच होती तीन टा जगह रिमेन्स इन ए सिंगल सेल है यही तुम कौन ना रसेल का सी साइंटिस्ट दु जन जगह देखी थे प्लुम्बागो जेन्सिका प्लांट रे है स्ट्रक्चरटा तुम कौन ना यहाँ हूँ तुम मेल जर्मिनेटर स्ट्रक्चरटा ओके अंडरस्टुड ओके देख ये कौन ना बाइसेलर ट्राइसेलर केमी ना पोलन ग्रेनटा जो मैच्योर हो जाऊँगी ना तुम मैच्योर होगा ये देख माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस गुड़ा मैच्योर होगा ओके ये डिविजन हो टू सेल है वेजिटेटिव जेनेटिव सेल्सटा है वेजिटेटिव सेल्स फर्दर आटाच होगी अच्छी जेनेटिव सेल्टा टू स्पर्म सेल जो कला से कौन ना परस्पर को आटाच हो रहा उथ प्लाज्मोडेस्माटा एंड वन ऑफ द स्पर्म सेल ऑल्सो आटाच टू द वेजिटेटिव सेल दैट विल फॉर्म द मेल जर्मिनेट ये अपर लेयर टा तुम कौन कैप्सूल कवर होगा समझे से कैप्सूल देखा देखा भी न जापे ये प्लांट से सीटा देख ये प्लांट तुम मैंने आखपाखर भी देखा मिलू हूँ तो यहाँ गोटे प्लुम्बागो स्पेसीस तुम देखि घर पाखे मैंने टगर फूल टाइप रिच्छी फूल भी देखा मिलता है आम घर पचपटे तो अच्छे तुम पाखे भी थपे हूँ तो जहाँ पाखे थी हूँ तो तुम कमेंट ये और नो लिख ओके दिस टाइप अफ फ्लावर अल्सो अब्जर्व इन योर नियर सराउंडिंग सो यही स्पेसीसटा को सी कौन ना रोजा एंड कासा सी कौन कहते ना ये देखी थे मेल जर्मिनेटा को ओके ये कौन ना मेल जर्मिनेट कौन कौन अच्छी द स्पर्म्स आर हाइली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्लास्टिड स्पर्म भितर कौन ना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्लास्टिड थी कौन ना माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम वेसिकल्स माइक्रोट्यूब्स ये सब गुड़ाक थोला बुझेगा टू स्पर्म्स इन द प्लुम्बागो डिफर्स नॉट ओनली इन सिंगल साइज से बट अल्सो ये कौन ना सी कौन कर दीटा जो स्पर्म सेल थी कौन ना तर साइज अफ सेप भितर से कौन ना
डिफर करूक्लीयस आर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल भी सीट कौन ना डिफर करूला कहीं स्ट्रक्चरल सी जो जीव भितर को भितर गोटे आसिक कौटे अटाच हम ना गोटे आसिक अटाच हम कौटी ना मदर सेंट्रल न्यूक्लियस मदर सेल जाए अटाच हम आ गए कौन ना तुम एक सेल ठीक अटाच होना जैकोड फर्मेसन हेल्प कर तो से भितर कौन ना स्ट्रक् जो ऑर्गेनेल अरेंजमेंट भी डिफरेन्ट टाइप रही ओके द स्पॉन्स व्हिच इज नॉट एसोसिएट विथ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंटेन्स आपने 24 प्लास्टिड एंड 14 माइक्रोकॉन्ड्रिया है से भी कमी सेल ऑर्गेनेल डिफरेंस तुमको डिनोट कराला द लार्ज स्मॉल सेल्स एसोसिएट विथ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कौन ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस को जो अटैच होती है से 250 मैंने मोर माइक्रोकॉन्ड्रिया थी है बेसिकाली तुम मन रख जो वेजिटेटिव सेल को अटैच हो बेसिक अधिका माइट्रोकॉन्ड्रिया थी माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन ना एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर थ्रो ए न्यारो से एक्सटेंशन एंड लैक ऑफ प्लास्टिड प्लास्टिड गुड़ा से नथिबो एंड हाज ए आवरेज 250 है 250 पाखापाखि माइट्रोकॉन्ड्रिया थे ओके इन द प्लांट ऑफ स्पिनच प्लांट मैंने कौन ने कौ शाग कह स्पिनचा कौ शाग मत कमेंट कह व्हिच लैक ऑफ द प्लास्टिड आयन्स है स्पिनाच रे यही जिनसा तुम एंट्रान्स आसपे ओके कलर तो मुझे चेंज कर पारे स्पिनाच भितर तुम प्लास्टिड नाला स्पिनाच रोलेन ग्रेन भर तुम प्लास्टिड ना प्लास्टिड आयन्स ना एंड द स्पन्स है अल्सो एक्जिबिट द स्पन्स डायमॉर्फिज्म डायमॉर्फिज्म ये कौन कहला देख प्लुम्बागो कौन ना प्लुम्बागोटा को सी जनरल एग्जांपल देती अधिकांश प्लांट्र कौन ना तुम जो जर्म सेलटा थी से गुटा कौन ना स्ट्रक्चरली नॉट सिमिलर है दुटा जाक गोटे सीना कनेक्ट ठीक अच्छे प्लाज्मा डिस्प्लेटा कि तरह भितर ऑर्गेनेल गुड़ा डिफरेंट अच्छे कि स्पिनाच रे कौन ना तर से प्लास्टिड ना लैक ऑफ प्लास्टिड है प्लास्टिड लैक अच्छी कितु से कौन ना स्ट्रक्चरली से डायमॉर्फिज्म सेम टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्व कर पार कैरेक्टर गुड़ाक है द अक्यूरेन्स ऑफ द पोलराइज फर्टिलाइजेशन यूनिट दैट कौन ना जो पोलराइज जो फर्टिलाइजेशन होता कौन सी किए देखी थे ना ये किए देखी थी हेस्लप एंड हेरिसन साइंटिस्ट देखी थे एंड मोर कॉमनली कॉल्ड मेल जर्म यूनिट डुमास कहते हु नेम्ड द मेल जर्म यूनिट ये जब मैंने एग्जाम एग्जाम आसला तो सीट कौन एंट्रेंस एग्जाम कौन हो डुमास को साइंटिस्ट करते हैं ये तो हेस्लप हेरिसन मोस्टली आसे अकुरेन्स ऑफ पोलर फर्टिलाइजेशन किए देखी थे किंतु जब आसला भी तुम मन रखा चेस्टा कर ओके किंतु यहाँ निश्चित आस मेल जर्म यूनिट को किए मैंने डिस्कवर करते कौन ना डुमास एटल लिखे है एंड व्हिच आल्सो सीन इन द टू सेल्ड पोलन ग्रेन्स एग्जाम्पल ऑफ पेटुनिया गोटे फ्लावरटा एंड द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द स्पेसीज शोइंग द मेल जर्म यूनिट इनक्लूड इन डाइकॉट टू सेल्ड पोलेन्स कौन ना बेसिक टू सेल्ड पोलेन गुड़ाक कौ कौ प्लांट देखी थे ना सीए देख डुमा सेटल जो देखी थे सी कौटे देखी थे ना पेटुनिया देखी थे है कि एग्जाम्पल गुड़ा देखी दि आकाशिया मेडिको मेडिकागो है आकाशिया गच तुम देखी थो हे तो है मेडिका को गोटे से गोटे टेरेनियाल प्लांटा ओके सीट कौन ना टू सेल पोलेन स्ट्रक्चर देखा मिलता है थ्री सेल सेल पोलेन स्ट्रक्चर कौटी देखा मिलता है सिकोरियम्स एंड गेबेरा ओके ये प्लांट गुड़ाक थ्री सेल स्ट्रक्चर देखा मिलता है इन मोनोकॉट गैस मोनोकॉट कौन देख गए एग्जाम्पल थी बाली बाली थी एग्जाम्पल है मुझे डिस्कस करी इन द मोनोकॉट गैसेस विथ थ्री सेल सीट कौन ना पोलेन ग्रेन गुड़ाक बेसिकली तुम थ्री सेल थी है मोनोकॉट गैस इट इज द थ्री सेल्ड पोलेन नाइदर द स्पॉन्स आर इन क्लोज एसोसिएशन नॉर दे सो डायमॉर्फिज्म कौन ना स्पॉन गुड़ाक क्लोज एसोसिएशन भी है ना जो प्लाज्मा डिस्प्लेटा लगे क्लोज एसोसिएशन थी कॉमन ट्रांसवर्स वॉल से ना डायमॉर्फिज्म सेम टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी भी सी शो करून है इन द मेज मेज जो भी तुम जानते मोनोकॉट प्लांट है कौन करना वेजिटेटिव न्यूक्लियस बिकम एसोसिएट विथ द स्पॉन्स
only after the pollen activation. हैला vegetative nucleus टा कौन करीबा ना sperm से तो associated है तो केबे करीबा ना pollen activation हैला pollen activation केबे हो बना सीधे तबर stigma surface रह आती की ये तो chemical changes है की सीधे तबर pollen germ tube formation करीबा जी वो vegetative cell टा सही at that time sperm cell वोड़ा करता रखो ना associated हुई की रही थी हैला and this association is maintained during the movement of pollen tube. जब pollen tube टा formation को अथवा style में मध्य पद देखी जाओ तो वो सही time में association टा देखिएगा को मेंटेन करिबा को से मेंटेन हे थिबो हला ओके इन केस ऑफ द बाली द मेल जर्म यूनिट डज नॉट एग्जिस्ट ए टाइप तमरा एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन को के मेल जर्म यूनिट केस रे को कोन कोन बाली रे मेल जर्म यूनिट सेटा ऑब्जर्व हे न थाए हला ठीक हो ना त डिस्टिंक्ट फीचर्स नथ को जेमि हमर मेल जर्म यूनिट कहथली केमि ना दीटा स्पर्म सेल दैट अटैच टू द वेजिटेटिव न्यूक्लियस which will form the germ tube. Okay, eta kon na distinct seta observe hei paribo nahi bhalse. Okay, exit bhi exist to hone man to observe bhi hei paribo ni hela sperms are similarly similar but within the 5 minute after the in vitro pollination and a close association begins between sperm cell and vegetative cell hela se kon karibo na jeta pollination hei jibo bali case re सीटा मनोक्लॉड क्लॉड प्लांट है सी कौन करना ना सी जो भेज इनभिट्रो पलिनेसन जो करेंटी कौन करना सी वेजिटेटिव न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस एसोसिएशन हो बुझीगला इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज काइंडली कमेंट इन द लाइक सेक्शन है जानते क्लास गुड़ा बोर लगुव कि चाहूँ कि तुम्हें ये जिनस गुड़ा कनसेप्ट बहुत भाव में क्लीयर करके रखि था ओके एट तो देखी थी पेक्टोनिया प्लांट से जर्नी फ्लावर टाइप रो प्लांट गुड़ाक ओके एट बाली बाली तो जान थो खाद्य जितिय शस्य जितिय सी पदार्थ ओके सो द मेल जर्म यूनिट इज द बाली ओके सो मेल जर्म यूनिट गोटे कौन बाली जर्म यूनिट अदर ग्रासेस इज एस्टाब्लीश आफ्टर द पॉलिनेशन पॉलिनेशन पर से कौन ना मेल जर्म यूनिट एस्टाब्लीश होची एंड द एग्जिस्ट द पोलन ग्रेन इनटू द पोलन ट्यूब से कौन कर पोलन ग्रेन टा पोलन ट्यूब गुड़ाक जो फर्मेसन टा होची पॉलिनेशन रो प्रोसेस पर युवाक हो मोनोकॉट प्लांट रे ओके द ऑकरेंस ऑफ एमजीयू मेल जर्म यूनिट वेदर फॉर्म्ड बिफोर और आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेशन एंड अपीयर्स इन द यूनिवर्सल फीचर्स एमंग द फॉलोइंग प्लांट हैला जो मेल जर्म यूनिटा मोनोकॉट प्लांट रे देखो छी सेटा सब कहना तुम्हारा आफ्टर पॉलिनेशन हो किंतु जो ऑल प्लांट सेसिस केस रे कौन ना हो आफ्टर पॉलिनेशन और बिफोर पोल जर्मिनेशन पोलन जर्मिनेशन र बिफोर और आफ्टर स्टेज रे सेटा फीचर्स गुड़ाक देखा जाला ड्यूमा सैटेलाइट कौन कर 1994 से देखी थे कौन ना कनसेप्ट करते केमी मेल जर्म यूनिट से फर्मेसन करना वेहिकल हो कि वेहिकल हो स्पर्म मान आईटा पसिबली आटाच हो कौन ना जा एक्सेल आ एक्सेल आटाच हो पोलार न्यूक्लियर केमी आटाच होता तुमको फर्टिलाइजेशन केस देखा पाइबा ओके से डुमा सेटल से पॉस्टुलेट करते बुझेगा ओके ये तुमको कि स्ट्रक्चर देखेदेवी आम क्लास भी एंड होगा जाऊँगी ओके तो बाइसेलुलर स्ट्रक्चर जोटा तुमने मन करो क्लास बुझीपार नाई मुझे एक्सट्रा क्लास ने सो से मुझे देखे दूसरी स्ट्रक्चर में बाइसेलुलर स्ट्रक्चर कौन ना तुम देख एटा हूँ वेजिटेटिव न्यूक्लियस कि जेनेटिव सेल जो टू स्पर्म सेल से फर्मेसन कर तो सीटा बाइसेलुलर स्ट्रक्चर होगी थी ओके ट्राइसेलर कौन ना दीटा स्पर्म सेल कर डिफरेंस किसी भी नहीं ओके बुझेगा से जो फर्दर से जो मेल जर्म यूनिट कर पोलन ये देख ये से पोलन ग्रेन भितर जो मेल जर्म यूनिट कर दूसरी से कौन केस आई तो डाइकॉट केस मोस्टली हम इन मोनोकॉट केस कौन हम ना पॉलिनेशन पर जी मेल जर्म यूनिट फॉर्मेशन कर मेल जर्म यूनिट स्ट्रक्चरटा ये से देखी के देख स्पर्म सेल वन टू अच्छी वन टा अच्छी अटैच होती ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस से अटैच है ये माइक्रोट्यूबल माइक्रोट्यूबल को केस फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर गुड़ाक केस माइक्रोट्यूबल फॉर्मेशन होता है कौन रहा साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विथ टर्मिनेटिंग विथ द वीएन वेजिटेटिव न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन चेंज हो पोलन ग्रेन भितर जब फॉर्मेशन हो मेल जर्म यूनिट से चेंजेस होता भी देखो
हैला हाईली लोब्ड एंड अमरफस अमरफस वेजिटेटिव न्यूक्लियस हैला एटा क्रैप्सिंग ग्रोव्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल्स गुड़ा ये भितर के कौन अच्छे कि रिप्रेजेंट सी करुच्छे ओके ये देख तुम बायसेलुलर ट्राइसेलुलर स्ट्रक्चर टा तुम एटा कौन ना एटा तुम कन्फोकल माइक्रोस्कोप गोटे ऑब्जर्वेशन टा ओके वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल देखी पार ये तुम थ्री सेल हो जाए तुम्हें ट्राइसेलुलर स्ट्रक्चर होके तुमको बुझे थी ओके मेल जर्मिनेट कि समराइज कर दूसरी जब तुमको मैंने कौन से गोटे भाई बार भी जो पचारे तुम ये आंसर देदे सी इम्प्रेस होके तो मेल जर्मिनेट वेजिटेटिव न्यूक्लियस फिजिकली एसोसिएट विद द टू जर्म सेल्स फॉर्मिंग ए फंक्शनल यूनिट कौन ना वेजिटेटिव न्यूक्लियसटा टू जर्म सेल सहित आटाच हो टू स्पर्म सेल सहित आटाच हो कौन ना फंक्शनल यूनिट होती है ऑल डीएनए इज केप टुगेदर सब डीएनए से गुड़ा कौन केप्ट हो टुगेदर एकाठी थी द स्पर्म सेल्स आर को ट्रांसमिटेड इन पोलन ट्यूब ना पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो वेजिटेटिव न्यूक्लियसटा गला से कौन ना तुम स्पर्म सेल्स गुड़ा भी आसी ओके ऑफकोर्स इन मेनी एंजियोस्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस ऑफ्टन लीड टू जेनेटिव सेल्स और स्पर्म सेल्स थ्रू द पोलन ट्यूब्स कौन ना वेजिटेटिव न्यूक्लियसटा तुम लीड पोजिशन थी कौन ना पोलन ट्यूब फर्मेसन बेले ओके युवा सब तो बुझे थी बारंबार बुझुची भी आशा कर एग्जाम भी भल आंसर देव ओके ओके यहाँ हूँ कौन डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ होल प्रोसेस दैट वी हैव स्टडीड इन द इन द इन दिस क्लास ओके ये कौन ना तुम एट डाइपोल्ड अच्छे ये हाप्लोइड हाप्लोइड थी माइक्रोस्कोपटा से कौन ना मेयोसिस कौन ना टेट्राइड फॉर्मेशन कर दूसरी ओके टेट्राइड तुम ये कौन माइक्रोस्कोपटा आसला हरी एटा टू एन एटा डिप्लोइड थी एटा हाप्लोइड थी है कौन ना कौन यूनिसेलुलर पोलनटा अच्छी ये फास्ट मेयोसिस कौन ना बायसेलुलर कर गोटे हूँ वेजिटेटिव सेल गोटे हूँ जेनेटिव सेल्स एटा कौन कर मिड बायसेलुलर बायसेलुलर होगी आइदर र आज जो ट्राइसेलुलर हूँ कौन ना सेकेंड मेयोसिस फेज को जीव है कब तुम जेनेटिव सेलटा दुईटा स्पर्म सेल हो फॉर्मेशन देन एटा कौन ना पोलन केन जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जो स्ट्रक्चरटा हूँ तुम मेल जर्मिनेट स्ट्रक्चरटा फॉर्मेशन होके तो आशा कर सब मैंने भल भाव कॉन्सेप्ट बुझी जाइए ओके नेक्स्ट क्लास में आम कौन पढ़ा ना एनपीसी सिस्टम नंबर पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम ऑफ पोलन गेन और पोलन वायबिलिटी पढ़ा ये दुटा करदे आम पोलन पोलन बायोलोजी यूनिट को आम कवरअप कर चैप्टर टा कवरअप करदे ओके थैंक यू बाय।